Guys, welcome back to my channel. This is Krishna Yadav and you are watching my vlog channel Vlog Till Alive. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं कल गया था थंब इम्प्रेशन कराने, क्योंकि मुझे एक फॉर्म डालना था. तो थंब इम्प्रेशन करा के मैं लाया, और जब मैं आज फॉर्म डालने लगा तो क्या देखा कि फिर उसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको प्रिंट आउट करना है, उसमें फिर हैंड रिटन लिखना है, फ़ोटो अटैच करना है, उसके बाद फिर डालना है. तो ये मैं आज देखा, तो आज फिर मुझे फॉर्म के ही काम से जाना पड़ेगा. और ये जो मैंने ग्लास पहने हैं, इसमें भी इसका जो ग्लास है ये ऐसे ही है, फर्जी वाला. तो इसमें मुझे रीडिंग ग्लास लगवाना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं फ़ोन पे ही, तो आँखों कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसको भी मैं आज बनवा लूँगा. तो ये दो काम मैं आज जा रहा हूँ करने, और फ़िलहाल तो बज गया दोपहर का एक. वो देखता हूँ अभी जाता हूँ, क्योंकि रात को क्या होता है ना, रात को वीडियो आती नहीं है और वीडियो मुझे बनाना है, तो इस वजह से मैं अभी जा रहा हूँ. तो फिलहाल मैं सुबह से पढ़ ही रहा था, लेकिन जब मैं फॉर्म डालने के लिए उठा, मैं ब्रेक लिया तो देखा कि ऐसी ऐसी बात है. तो फिर मैंने सोचा कि पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये काम पेंडिंग हो रहा है. दो तीन दिन से मैंने आधा फॉर्म सबमिट किया हुआ है, तो चलते हैं जल्दी से फिर ये वाला भी काम करवा के आते हैं. और आज हम चलेंगे अपने पापा की ही बाइक से, क्योंकि बुलेट में क्या हो रहा है, बुलेट में आवाज़ें आ रही हैं. माइक में क्या है कि उसका जो साइलेंसर है, डॉल्फिन लगाया है मैंने, तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ आ रहा है माइक में. तो मैं आज पैसन से ही चल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी चाहिए. गाड़ी कोई भी हो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तब लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे नई गाड़ी ले लेंगे. जैसे जैसे पैसा मिलेगा नई गाड़ी भी ले लेंगे. तो चलिए चलते हैं और रास्ते में बात करते हैं. चलिए, तो पहले मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि कल से मैंने ये टी शर्ट पहना है. तैयार हो जाऊँ उसके बाद चलता हूँ. कुछ पेन तो हम लिए ही नहीं, पेन भी लेके जाना था ना. भाई एक दो दिन में हो सकता है मुझे कि एक ट्रिप पे निकलना पड़े, मतलब बाइक से तो नहीं जाऊँगा लेकिन ट्रेन से जाऊँगा, लेकिन हो सकता है कि बाहर जाना पड़े. काम है क्योंकि ओवर में सर्टिफिकेट आ गया, ईटी के लिए अप्लाई करना है, तो उसके सिलसिले में हो सकता है कि मुझे जाना पड़े धनबाद. एक अगर धनबाद गया इस बार तो इस बार एक दो दिन रुक जाऊँगा धनबाद, क्योंकि थोड़ा धनबाद भी एक्सप्लोर कर लिया जाएगा. धनबाद लिखा है गया, एक फंड रेज करते हैं फेसबुक पे, गोप्रो लेना है तब एक एक रुपये दान करें. क्यों तब से एक एक रुपये लेके गोप्रो ले लिया जाए क्या? तो ये एक अच्छा आइडिया है कि सबसे फंड रेज करके एक एक रुपये. तो आप 30,000 लोग को जानते हैं, 30,000 लोग को जानते हैं कम से कम, तब ना एक एक रुपये लेंगे. अरे ये तो बंद कर दिया है आज, और भालू ये दुकान तो बंद है, अब आगे देखना पड़ेगा किसी और को. नहीं नहीं करना क्या है ना, उस फॉर्म में एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको मुझे वहाँ से निकलवा के उसमें हैंड रिटन लिखना है, उस डिक्लेरेशन को कॉपी करना है वहाँ पे, फिर उसके बाद उसको फिर स्कैन करना है, फिर उसको अपलोड करना है, समझे? एक और आगे वहाँ पे राजीव है, उसके पास हो जाना. ये भाई वो हमारा सब्जी मंडी नामा नगर का, ये है फल मंडी, छोटी सी छोटी बाजार, सब कुछ छोटा छोटा. ये पुरानी वाली साल है, वन बाइट में क्या है तो मेरा वही वाला हाल हो गया है, एक ही फसल की तरह. एक फॉर्म के लिए 4 दिन से घूम रहे हैं, इससे बढ़िया तो साला एक ही बार ला के कहीं कैफे में ही डलवा लो. जाओ भैया चाय पीजिएगा. और चलते हैं, उसमें एक फ़ोटो लगाना है, तो पहले फ़ोटो निकलवा लेता हूँ, क्योंकि वो वाला फ़ोटो मेरे पास है नहीं. और उसमें सॉफ्ट कॉपी है, मैं बस उस फोटो को अपने फॉर्म में ही लगाता हूँ. तो चलता हूँ, क्योंकि बहुत पहले वो फ़ोटो, एक प्यारी सी फ़ोटो आई थी, उसके बाद तो फिर
सारी फ़ोटो आना ही बंद हो गया, तो उसी की दो तीन कॉपी निकलवा लेता हूँ, अपने मेल पर रखा हुआ हूँ, फिर उसके बाद किससे निकलवाएं, आरके स्टूडियो से निकलवा लें, खुला है यहीं से निकलवा लेते हैं, आगे भी तो है, वहाँ से निकलवाएं, अरे जहाँ आगे है आगे इससे ना निकलवाएं, बहुत ज़्यादा पैसा लेता है साला ये, पैसा तो वो भी उतना ही लेगा, रेट तो है, कैमरे में आ गया है, आपका फ़ोटो लगा देंगे इसके सामने, ये जो लाइन जाएगी कि पैसा बहुत लेता है और यहाँ पे, और टैग कर देंगे आरके स्टूडियो, ठीक ना। फ़ोटो निकालना भी है, मेल पे है, हो जाएगा, निकाल दीजिए। तो भाई लोग फिर एक दिक्कत आ गई, क्योंकि जो स्कैन कॉपी मुझे, जो हैंड रिटन कॉपी जो स्कैन करके मुझे डालना था, उसमें एक दो कॉलम ऐसे कि समझ में नहीं आ रहा उसमें डालना क्या है, तो अब लगता है कि फिर सामने मुझे आना पड़ेगा यहाँ, ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता है, ख़त्म होता है। पेपर दिए थे क्या आप? नहीं तो चाहिए तो ले लीजिए। मैं फोन दिया पेपर, अरे हमको फूल लाना है लिफाफा। Hours later. तो hey guys, welcome back to my channel. तो आप मेरा नया लुक देख रहे होंगे, तो मैंने दाढ़ी ट्रिम कर लिया क्योंकि मुझे एक फ़ोटो खिंचवाना है एक फॉर्म के लिए, क्योंकि मैं जब फॉर्म सबमिट करा था फिर मैंने लास्ट में देखा कि मुझे ऐसा फ़ोटो नहीं चाहिए, वो कैदी वाला फ़ोटो चाहिए ब्लैक बोर्ड में नाम लिखवा के, तो इसीलिए मैंने फिर जल्दी जल्दी ट्रिम किया दाढ़ी, फिर अब मैं जा रहा हूँ जल्दी से दूसरा फ़ोटो करवाऊँगा, और जो डिक्लेरेशन फॉर्म था उसको भी स्कैन करके अभी सबमिट करके इसका पूरा पंचायत ही ख़त्म कर देना है। क्या मस्त लग रहा है देखिए दाढ़ी बनवा के, हम ये तो थंबनेल वाला है। क्या बोल रहे हैं आप, पैसा बात काहे बोलते हैं कि खजाना खोल रखते हैं, हम लोग का 1000 रुपए 10-20 रुपए से थोड़ी सेल है कि आप उनको पूंजी रखेंगे, 30-40 रुपए काम कर रहे हैं हम, 55,000 रुपए पकड़ में लेकर रखे हैं, 5,000 बोल रहे हैं आपको, 100 रुपया आप बोल रहे हैं यार, हम आपको कहाँ समझा रहे हैं, 30-40 रुपए काम है मेरा धंधा, हम 200-200 रुपए बांटते चलेंगे तो हो गया मेरे खिला, फिर वही बात, पैसा रहे तब ना देंगे, हम बोल रहे की छोटा दुकानदार है ना यार, अच्छा ठीक है पता है। ये लोग जानते हैं किराना फिराना जो लन फंद है ना जो पार्टी को देता है वो लोग देगा, समझ रहे बात, हम लोग होलसेलिंग काम में ना है, कमाई हो ही रहा है, बाईस कैसे लिख रही है, अरे हम बोल रहे हैं भैया हम नहीं कर पाएंगे तो आप जबरदस्ती कर रहे तब ना बोलेंगे, अच्छा हो गया। तैयारी चल रही है क्या? जैकेट हाँ जैकेट में खिंचवा लो, तैयारी जैकेट के अंदर क्या पहने हो? भैया जी हमको जेल हो गया है, बैठ जाओ उधर, अब भी आप आ नहीं रहे हो, अब आ नहीं रहे हो चले गए बाहर, हमने ले लेते हैं ना सब, अच्छा वो बनाते रहेंगे तो ले लिया जाएगा, और दूसरी ना बताए अच्छा एकदम यहाँ यहाँ बहुत ना थोड़ी आ जाए मैं तो बंद करता है यहाँ और ऊपर नहीं जगह हो जाएगा यहाँ से, हाँ
पासपोर्ट ही आना कोई। हां जी मैं बोल रहा हूं, एक फॉर्म में करना है तो इतना साजू ने लिखा हुआ अपने सारी बात तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एक मिनट देख लेते हैं। सो भाई लोग, फाइनली काम हो गया है। मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर दिया है और वो जो नया मैंने अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है और मतलब सारा काम ठीक से हो गया फॉर्म का और फॉर्म सबमिट हो गया। तो चलो एक काम तो ख़त्म हुआ, मेरे दो तीन काम पेंडिंग रह ही गए हैं लेकिन ये काम होपफुली पूरा हो गया है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले काम के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कि मेरे व्यूज़ आप लोग पे ही टिके हैं और मेरी कामयाबी आप लोग पे ही टिकी है। तो ओके देन, बाय, अलविदा और शुक्रान।